हेलो एवरीवन, बॉलीवुड मेट्रिमोनी में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट हिमेश सिंघल। दोस्तों हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे अशोक अंकल। इन्होंने करीब 6 दिन बाद आज OMG 2 देखे। पहले तो आप बताओ इतना लेट क्यों देखे अभी मूवी को? नहीं, मैं पहले रिव्यू में बोला था कि मैं पहले गदर देखूंगा, उसके बाद सेकंड फिल्म ये देखूंगा, लेकिन कुछ काम से मैंने देखा नहीं था, मैं बाहर था, अब आके देख लिया मैंने। तो फाइनली आपने OMG अक्षय कुमार पंकज त्रिपाठी यामी को था। पहले तो बताओ कि आपको कैसी लगी है मूवी? नहीं, फिल्म तो बहुत अच्छी है और क्या बोलना चाहिए, यानी आज के जनरेशन के लिए, आज के फैमिली के लिए, आज के लोगों के लिए, सबके छोटे बड़े सबके लिए ये जो फिल्म बनाया ना, बहुत सही फिल्म बनाया है। और ये नॉलेज देना भी चाहिए स्कूलों में, जैसे बताया है कि जो फिल्म के अंदर बताया है, A to Z सही फिल्म है। क्या बात है। अक्षय पाजी कैसे लगे आपको महादेव के रोल में? नहीं, बहुत अच्छा रोल है। और इस श्रावण महीने में अगर अक्षय पाजी के रूप में हमको देखने भी मिला तो भी हम खुश हैं उसके लिए, अक्षय पाजी के लिए। पंकज जी के बारे में क्या कहोगे? नहीं, बहुत अच्छी एक्टिंग है पंकज त्रिपाठी, बहुत बहुत परफेक्ट एक्टिंग है और मेरे ख्याल से उस रोल के लिए वो सही है एकदम। क्या कहोगे आजकल ये जो मुद्दा उठाया गया इस मूवी में सेक्स एजुकेशन को लेके, आजकल बहुत लोग घबराते हैं इस चीज़ पे बात करने के लिए, उसी टॉपिक पे उन्होंने मूवी बनाया, उस पर आप क्या क्या राय रहेगी? क्या हर माँ बाप हर पेरेंट्स को बच्चों को ऐसा सिखाना चाहिए? गुड टाइम बैड टाइम? नहीं नहीं, कुछ ये बातें कुछ हद तक सही है कि अगर माँ बाप शर्माते हैं सिखाने के लिए तो स्कूल में तो होना चाहिए, क्योंकि स्कूल में हर नॉलेज स्कूल से ही मिलता है। हाँ, लेकिन संस्कृति तो घर से मिलती है, लेकिन स्कूल से नॉलेज A to Z जैसा हर चीज़ की पढ़ाई होती है, उसी तरह इसका भी पढ़ाई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। तो मैं तो इससे सहमत हूँ कि ऐसा एक सब्जेक्ट होना चाहिए जिससे बच्चे को, जैसे चल भी चल आजकल तो स्कूल में हो नहीं भी होगा तो ये मोबाइल ऐसा आया है कि इससे सब कुछ मालूम होता है, लेकिन फिर भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए बच्चों के लिए, नॉलेज के लिए। तो वो सही है बताया फिल्म के अंदर। क्या कहोगे मतलब कि म्यूजिक गाने के बारे में क्या कहोगे? गाने आपको कौन सा पसंद आए? गाना तो भाई तो भोलेनाथ का जो अक्षय कुमार डांस हर माधव का गाना अच्छा लगा। और मैं तो बताओ अक्षय कुमार का ये जो अभी के सीजन की सबसे अच्छी फिल्म होगी और बॉक्स ऑफिस पे हिट भी हो गई। अक्षय कुमार 5 फ्लॉप के बाद पहली उनकी फिल्म हिट हुई है, क्या कहोगे उनके बारे में? कैसा है जैसे दो पाजी आए एक साथ पंजाब के दोनों भी, जैसे सनी पाजी और ये पाजी दोनों भी, और थोड़ा सनी पाजी थोड़ा अलग स्टाइल में है, ये थोड़े अलग स्टाइल में है, लेकिन दोनों भी सही है और दोनों ने इस सीजन में फिल्म ने दिए बहुत सही दिए और दोनों फ्लॉप चल रहे थे। सनी पाजी भी फ्लॉप चल रहे थे, अक्षय पाजी भी फ्लॉप चल रहे थे, फाइनली दोनों की मूवी चल गई बॉक्स ऑफिस। हाँ हाँ, दोनों की चल गई और चलना भी चाहिए ऐसे बॉलीवुड के लिए, ये एक अच्छा मौका है। जैसे रॉक की रानी चल रही है और ये भी चल रही फिल्म है, दोनों भी चल रही है। एक थोड़ा आगे जो कोई फास्ट ट्रेन है कोई स्लो ट्रेन है, उनको क्या कहोगे जिन्होंने कहा रहा था बॉलीवुड खत्म, बॉलीवुड अब नहीं चलेगा? नहीं जब भाई वो खुद ही समझ जाएंगे, वो खुद अपना बोल आगे आगे, आगे जब स्पीच देते टाइम सोचेंगे पहले कि बॉलीवुड के बारे में क्या बोलना चाहिए, और बॉलीवुड के बारे में तो बोलेंगे भी नहीं क्योंकि आगे और भी आने वाली है। जी चलिए, एंड में रेटिंग देना तो आप कितना दोगे? 5 4 दे दूंगा मैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू, धन्यवाद।